हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। दोस्तों, मैंने आप सबके लिए व्हाट्सएप ग्रुप चालू कर लिया है जिसमें फाइनेंस की बातें होंगी, फाइनेंस के मोटिवेशन होगा और फाइनेंस के जॉब होंगे। तो जितने भी आपके पास जॉब होंगे या जॉब में जा रहे होंगे, इंटरव्यू देने जा रहे होंगे, तो प्लीज़ उसमें पोस्ट कर दीजिएगा ताकि मेरे बाकी भाई सब्सक्राइबर को भी वो जॉब का इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैं इसलिए भी पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि कन्फर्म नहीं कर पा रहा हूँ कि जिस साइट पर मैं जा रहा हूँ वो लीगल है या फिर कुछ और है। इसलिए जब भी मेरे को कन्फर्मेशन मेरे को कोई मिलेगा कि यहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है तो ही मैं पोस्ट डालूंगा। और पोस्ट में कोई भी आपसे पैसे मांगेगा तो देने का नहीं, क्योंकि भाई आपका बड़ा भाई है, आप लोग मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे भाई हों, तो आपसे पैसा मैं ज़िंदगी में कैसे ले सकता हूँ। सिर्फ आपको मैं खुशियाँ और आशीर्वाद बड़े भाई का दे सकता हूँ। दोस्तों, मैं अपने लाइफ में तीन इंटरव्यू फेल बता दिया। अब मैं बताऊँगा आपको मैंने दो इंटरव्यू पास कैसे किया और मुझे कितना कितना एक्सपीरियंस मिला इंटरव्यू का। तो फर्स्ट मेरा तीन तो समझ गए क्या था, फिर थर्ड राउंड फोर्थ राउंड में मेरा इंटरव्यू हुआ महिंद्रा फाइनेंस कंपनी में। महिंद्रा फाइनेंस कंपनी में जाने से पहले मैंने पहले ग्रामर आमर सब सुधारा। मेरा दोस्त था, उसको बोला तू रिज्यूम बना भाई, एक हफ्ता ले ले तो 10 दिन ले ले, लेकिन सिंपल से बना बायोडाटा। रिज्यूम उस समय चलता नहीं था, तो बायोडाटा बना और सिंपल बना और ग्रामर ठीक करके लिख। तो उसने उस बार ग्रामर वामर ठीक करके लिखा, सब कुछ अच्छा, फ़ोटो वोटो अटैच किया और मैं चल पड़ा महिंद्रा फाइनेंस के इंटरव्यू में, जहां पर एचआर इंटरव्यू ले रहा था। देखो, नई नई कंपनी थी वहां पर, डीएसए चालू हुआ था नया नया, ऐसा नहीं, तो काफ़ी एम्प्लॉय वहां पर इंटरव्यू लाए थे। वो 2-3 जगह के लिए निकाला गया था। तो मेरा इंटरव्यू आया फर्स्ट, उन्होंने फर्स्ट मुझसे नाम पूछा और अपने बारे में बताओ यही पूछा मुझसे एचआर ने। तो बता दिया, तो बोला फर्स्ट सवाल था फाइनेंस के बारे में आप क्या जानते हैं। तो मेरा उत्तर था वहां पर फाइनेंस के बारे में, सर फाइनेंस में मैंने कुछ अजीब सा उत्तर दिया था, मेरे को याद नहीं है, सर ये करके वो से करते हैं ऐसा फाइनेंस होता है। बोला नहीं यार, कहां इतने अंदर तुम डीपली, तुमको क्या फाइनेंस मिनिस्टर बनना है क्या तुमको, ये सब नहीं है, ये फाइनेंस कंपनी ही नहीं है, ये ब्याज की कंपनी है, इसका नाम बस हमने फाइनेंस कर दिया गया है। फाइनेंस का मतलब होता है कंपनी का 100 रुपये उठा के मार्केट में दो और 120 रुपये कमा के कंपनी को दो, यही फाइनेंस है। फर्स्ट इंटरव्यू में मुझसे बोला कि यही फाइनेंस है और यही फाइनेंस होता है, इतना लंबा चौड़ा उत्तर मत दो। बोला मैं ठीक है सर, सॉरी सर, बोला और अपने बारे में बताओ। तो मैं बताया सर, मैं बॉम्बे में एजुकेशन कर रहा था, फिर वहाँ पर मैं अपने बारे में सब कुछ बता दिया। तो उनको मेरा बिहेवियर काफ़ी अच्छा लगा, बोला कि नहीं तुम थोड़ा लाउडली बात करते हो, अच्छे बात करते हो, साफ बात करते हो, क्लियर बात करते हो, तुम्हारा बोलने का टेक्निक काफ़ी अच्छा है, जो मुझे काफ़ी प्रभावित किया, क्योंकि मैं जो अभी डीएसए चालू करने वाला हूँ उसमें मेरे को जो जिसके बोलने का ढंग अच्छा है, जिसकी स्केल अच्छी है, जिसकी सेल अच्छी है, उसको मैं रखना चाहूँगा। तो आप तुमको मैं जॉब में हायर करता हूँ और तुम डीएसए में मेरे बैठो, तुमको 5,500 सैलरी मिलेगा। तो मैंने पूछा सर सैलरी तो बहुत कम हो जाएगा, मैं कैसे करूँगा बोल के। तो फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, सैलरी से ज़्यादा तुम इंसेंटिव कमाओगे। और वाकई माने में दोस्तों यहाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इस कंपनी में काम करता है वो इस फील्ड में काम करता है, मतलब जिसमें मैं डीएसए में जो भी काम कर रहा है वो महीने के सैलरी से 3 से 4 गुना ज़्यादा इंसेंटिव उठा रहा है, तो तुम भी उठाओगे, कोई टेंशन मत लो, बहुत पैसा कमाओगे बोल के। तो हमने मेरा ये फाइनल हो गया, ज़्यादा पूछा नहीं, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी थी और मेरे बात करने का ढंग बहुत ही बेहतर था, तो मेरे को वो बात करने का ढंग से ले लिए। सीवी पढ़ा, सीवी में सब ग्रामर आमर टिक था और जिस सीवी में लिखा हुआ था मैंने वही बोला, तो मुझको उन्होंने अपॉइंटमेंट दे दिया। फिर मुझे अपने स्टेट हेड में जाना पड़ा, वहाँ से फिर मेरा फॉर्म फिलअप हुआ, सब आईडी मंगाया गया, वो डॉक्यूमेंट वहीं पर किए। फिर उन्होंने मुझको बोला कि तुरंत उन्होंने महिंद्रा में ऐसा नहीं था कि आप ज्वाइन कर लो कोड दे देंगे, पहले आपको कोड आएगा फिर ज्वाइन करो, उस समय एक बात बता रहा हूँ। फिर कोड दिया गया, बोला जाओ अब बैठो, अब केसेस ठोका करो बोल के। तो ये हो गया मेरा महिंद्रा का फाइनेंस का एक सक्सेसफुल जॉब और महिंद्रा में मैंने काम चालू किया। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ श्रीराम फाइनेंस में, हालांकि श्रीराम फाइनेंस में इंटरव्यू नहीं था, वो मेरे दोस्त ही वहाँ पर बीएम थे, लेकिन इंटरव्यू होना ज़रूरी था क्योंकि वहाँ पर थे बीएम, तो दोस्त था वो जॉब पर तो रख लिया था बिना इंटरव्यू के, लेकिन उसके ऊपर भी होता है प्रोडक्ट मैनेजर। जो मेरा प्रोडक्ट दिया गया था, मैं उसको पैसेंजर दिया गया था, पैसेंजर का जो प्रोडक्ट मैनेजर था उसका और बीएम का 36 का आंकड़ा था, क्योंकि उसके पहले वो बीएम था, ठीक है,
बीएम के पास सब बीएम छोटा होता है, इक्वली होता है, लेकिन बीएम के पास पूरा सरताज होता है ना। बीएम चाहे तो कंपनी में कुछ भी कर सकता है, कितने भी चाहे पैसे वो कमा सकता है, किसी को भी लोन माफ़ कर सकता है। तो पहले जो प्रोडक्ट मैनेजर था उसने कुछ गड़बड़ी की थी तो उसको उठा के प्रोडक्ट मैनेजर बना दिया, और एक सेल्स एग्जीक्यूटिव जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था श्रीराम में उसको उठा के बीएम बना दिया। वो बीएम मेरा दोस्त था, और जो प्रोडक्ट मैनेजर था उन दोनों का बिल्कुल नहीं बनता था, और उसको पता था कि ये उस बीएम का आदमी है, ये इंटरव्यू में जो लगा जॉब में लगा है ये उसका आदमी है। तो मुझको इंटरव्यू के लिए वो यहाँ पर लोकल में भी था, वो मुझको नहीं बुला है, बोला कल रायपुर पहुँचना, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ और तुम्हारा इंटरव्यू भी कल रायपुर में होगा। तो मैंने बताया सर बीएम को कि सर ऐसा बात है, वो तो रायपुर में इंटरव्यू लेने जा रहा है। बोला कि देख अच्छे से जाके बोल देना, अभी तू इतने साल काम कर लिया है महिंद्रा में तो तेरे नॉलेज हो गया होगा, मैं जानता हूँ कि तेरे को बहुत ज़्यादा वो टफ क्वेश्चंस पूछेगा और टफ सवाल पूछेगा, और हो सके तो तेरे को ऐसा करना चाहेगा कि नौकरी ना मिले, लेकिन नौकरी मैं बात कर लिया वहाँ पर भी, तेरे जॉब लग जाएगा, लेकिन तू कोई ऐसी गलती मत करना जिससे जॉब ना लगे और अपना कंप्लेन चल जाए और हम कहीं कम हो जाएँ, ठीक है। तो मैं बिंदास गया रायपुर, नए नए कपड़े खरीदा एकदम, कहीं भी मेरे को, क्योंकि मैं हेड ऑफिस जा रहा था, हेड ऑफिस में जाना से मतलब जूते से लेके शर्ट वर्ट एकदम चमचमाता हुआ होना चाहिए, डिसेंट लुक हो के, बाल वाल एकदम छोटे कटिंग करके एकदम डिसेंट होके मैं गया वहाँ पर। स्टेट हेड भी बैठा था वहाँ पर ही, मेरा इंटरव्यू भी चाहे तो वो अकेले ले सकता, लेकिन स्टेट हेड के सामने मेरा इंटरव्यू ले रहा है, बताओ हैं। अब किसी को निकालना है, किसी को कुछ चिढ़ हो जाता है तो कैसे होता है। तो स्टेट हेड के सामने इंटरव्यू लिया, बोला फाइनेंस के बारे में क्या जानते हो और क्या आपका, बताइए अपने बारे में। फर्स्ट मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर फाइनेंस के बारे में क्या जानते हो उसने भी पूछा। तो मैंने वो जो महिंद्रा में सीखा था, जो मुझको बताया था सर ये ऐसी बात है, मैं उन्हें वो ही बताया उनको, फाइनेंस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये कंपनी के जो पैसे हम डालते हैं मार्केट में उसको वापस लाना है, प्लस उसमें ब्याज के साथ प्रॉफिट के साथ वापस लाना ही फाइनेंस होता है सर, बोला। बोला कि यहाँ पर रिकवरी करना पड़ेगा, तुम रिकवरी कैसे करोगे, क्योंकि बहुत लंबा फील्ड है इस साइड 150 श्रीराम का फील्ड, पहले पीछे 150, आगे 150, इधर 150, इधर 150, क्योंकि उस समय ज़्यादा कंपनियाँ थी, मतलब श्रीराम की ज़्यादा ब्रांचेस थे ही नहीं, तो हमको ही कवर करना पड़ता था। बोलते तुमको घर नहीं जाने मिलेगा, तुम जिंदगी भूल जाओगे, तुमको फील्ड पे जाना पड़ेगा, कहाँ जा रहे हो क्या जा रहे हो कोई गारंटी नहीं बताया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं सर, मैं तो निकला ही पड़ा हूँ जॉब करने के लिए, और मेरा लॉन्ग लाइफ अब श्रीराम फाइनेंस में जॉब करना। मैंने ये बता दिया कि मैं जॉब के लिए बहुत नीडेड हूँ और ये मैं मेरे को जॉब चाहिए, और ये जॉब मिल गया तो मैं लॉन्ग लाइफ काम करूँगा सर, कोई बात नहीं, कितना बड़ा फील्ड होगा सर, मैं तो ऐसे भी अकेला हूँ सर, ऐसे भी कुमार हूँ मैं करूँगा भी क्या घर जाकर, मेरे को तो बहुत मज़ा आता है फील्ड में जाने में। मैंने ऐसे बोल दिया सर, मैं बहुत खुशी होगी कि मुझे लंबा लंबा फील्ड जाने मिलेगा, मुझे अपने क्षेत्र के लोगों से मिलने मिलेगा, अपने क्षेत्र के गांव देहात सब देखने का मौका मिलेगा, इससे अच्छा सौभाग्य की बात क्या होती है। बोलते हैं तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा जगह भी होगा जहाँ तुम्हें रात को सोने के लिए नहीं होगा, कुछ खाने के लिए नहीं होगा, जंगल भी हो सकता है, क्योंकि पहले तो इंटीरियर था यार, आज से करीब कितने साल पहले, 2009-10 के बाद बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो बोला उन्होंने ऐसा स्थिति आएगा तो क्या करूँगा, बोला रहूँगा सर मैं बॉम्बे में, रहा आदमी हूँ मैं, अकेला जीवन अपना वहाँ बॉम्बे में खुद सेटल होकर आया था, अपने दम पे गया था, वहाँ कोई नहीं था तब भी वहाँ सेट हुआ अपना जो भी किया, तो मैं यहाँ भी करूँगा तो अपने दम पे कर लूँगा, मुझे पूरा नॉलेज है, मैं यहीं का पैदाइश हूँ, मैं यहाँ पर जो भी काम है मैं सब कर लूँगा, आपको बस आप मुझे चांस दीजिए और मुझे भी एक बार देख देखिए, मैं आपका 100% आपके लिए प्रॉफिटेबल काम करूंगा, आपको कोई कंप्लेन का मौका नहीं दूंगा। तो इसमें और कुछ वो लंबा लंबा और पूछने वाला था मेरे को, और कि फंसा दूँ कहीं पर और इसके जॉब को मैं क्या कर दूँ, ख़त्म करा दूँ या फिर उसको वैकेंसी ना दूँ, लेकिन उसमें स्टेट हेड ने अपने बीच में क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है अच्छी बात है, तुम इतना कॉन्फिडेंट जो तुम्हारे अंदर है मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा। तो जो स्टेट हेड था वो मुझसे काफ़ी प्रभावित हो गया, और जब स्टेट हेड प्रभावित हो गया तो फिर वो उसको पीछे ही हट गया, तो कोई बात नहीं बाकी सब मैनेज कर लेगा, लड़का देख के तो काफ़ी लग रहा है, काफ़ी हष्ट पुष्ट भी है, मेरी बॉडी वॉडी भी काफ़ी थी उस समय, अभी भी है लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा थी, मैं जिम में बहुत काफ़ी करता था बॉम्बे से लेके यहाँ तक, मैं बहुत जिम किया मैंने लाइफ में, तो पर्सनालिटी भी अच्छी है, एक अच्छा कलेक्शन भी अच्छा निकाल लेगा, बात बातूनी तो है ही, यही जवान का भी बहुत अच्छा है, सेल्स भी अच्छा कर लेगा,
इसको अपॉइंटमेंट दे दो, इसको तुरंत अपॉइंटमेंट दे दो। तो सोचिए जहाँ पर नहीं होने वाला, वो चाहता था कि मैं जाऊँ किसके पास में, स्टेट हेड के सामने इंटरव्यू लूँ, ताकि ये कुछ भी गलत बोले इसका मैं काट दूँ, क्योंकि खुद नहीं काट सकता था, क्योंकि खुद कैसे काट देगा, क्योंकि बीएम का सपोर्ट से आया था, मैं बीएम के रेफरेंस से आया था, उस मेरे को काट सकता था सिर्फ ओनली स्टेट हेड। तो उसने स्टेट से हेड के सामने ले लिया, लेकिन मैंने इस प्रकार का बात किया और मुझे नॉलेज था टोटल ना, मैं महिंद्रा में 1.5-2 साल निकाल चुका था, तो मैं कुछ सब कुछ था, फील्ड क्या होता है, क्या है कलेक्शन, क्या है, मैंने सब कुछ बता दिया। तो इतना प्रभावित हो गया अपना स्टेट हेड, तो बोला इसको तुरंत इसको अपॉइंटमेंट दो, इसका यहीं पर सब कुछ करो और तुम कल से फील्ड पे, और कल घर एक ही दिन का रास्ता है हमारे वहाँ से स्टेट हेड का, आप तुम जाओ कल से काम स्टार्ट कर दो अपने शहर जाके का बस। तो वो भी कुछ नहीं बोला, उसको मजबूरन उसको मेरे को जॉब पे रखना पड़ा। और फिर मैंने श्रीराम फाइनेंस का जॉब एज ए सेल्स प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव पैसेंजर, जिसमें मैं कारें फाइनेंस करता था, मैं जो भी कार मतलब नई कार फाइनेंस करता था, पुरानी कार बस कार मेरे पास था अथॉरिटी कार का, जो भी है कार मैं फाइनेंस मैं ही करूँगा। और मैंने काफ़ी पैसे कमाए, इंसेंटिव कमाए और अपने लाइफ को मैं फाइनेंस कंपनी में समझा कि उसके पहले हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम अपने लाइफ को लेके कहाँ जाएं, सरकारी नौकरी हमें मिलने वाली नहीं थी क्योंकि हम जनरल थे, ठीक है, बिजनेस हम कर सकते नहीं थे क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं थे, उसके बाद हम कहाँ करेंगे, मार्केटिंग में जाऊँ के पेन बेचूँगा या फिर मैं किसी कपड़े दुकान में काम कर लूँगा या फिर मैं कुछ क्या कर दूंगा, मैं कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन फाइनेंस में सेक्टर में ऐसा मिला जहाँ लगा कि एक गवर्नमेंट नौकरी की तरह ही है, सब कुछ गवर्नमेंट है, बस थोड़ा मेहनत बहुत ज़्यादा है, थोड़ा प्रेशर है, लेकिन पैसा भी एकदम अफरात है, गवर्नमेंट जॉब की तरह ही पैसा है और एक सक्सेसफुल लाइफ है और एक लॉन्ग लाइफ है, आप लॉन्ग टाइम आप उसको जॉब कर सकते हो एज रिटायर होके, अपने सब कुछ काम करके, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के। एक अगर आपने पेंशन योजना ले लिया आज की डेट में हो, नहीं लिया तो आप ले लेना, पेंशन योजना आपको बहुत काम आएगी, पेंशन योजना ले ली तो आपकी लाइफ सेटल है, आप ज़िंदगी भर जैसे एक सरकारी आदमी जीता है आप भी जी सकते हो। तो यही थे दोस्तों मेरे, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊँगा कि अपनी लाइफ की कि मैंने 2 इंटरव्यू कैसे क्लियर किए थे, बाकी दोनों में मेरा सपोर्ट था, रेफरेंस था। लेकिन आप में भी अगर कहीं जॉब देने या जहाँ रेफरेंस हो सके तो ढूंढिए या फिर खुद भी ट्राई कीजिए, आज नहीं तो कल नहीं तो आपका जॉब ज़रूर लगेगा। यार किसका वक्त नहीं आता, दुनिया में हर आदमी का वक्त आता है, आपका वक्त सही आने दो, आपको जॉब भी लगेगा, आपके पास पैसे भी आएंगे और आप एक सफल इंसान भी बनेंगे, ये वादा करता हूँ आपको मेरे नेशनल टीवी चैनल में, मेरे फाइनेंस के ज्ञान में, कि हर उस आदमी का जॉब लगेगा जो मेरी वीडियो देखता है। और हर आदमी सफल होगा सक्सेस होगा तो ये नहीं बोलता, लेकिन हर आदमी सेट ज़रूर हो जाएगा, मैं कह नहीं जा रहा हूँ, आपके सामने ही हूँ, मेरे चैनल हमेशा चले रहेगा। आप में से आज से 2 साल बाद बोलना सर आपकी बातें सुन सुन के आज तक मेरा जॉब नहीं लगा, ऐसा एक भी कमेंट आया तो मैं उस दिन अपना वीडियो बंद करूंगा और मैं दूसरे वीडियो बनाना चालू कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और मुझको एक बताइए कि मैं 7 बजे वीडियो अपलोड करूं या पहले अपलोड करूं, क्योंकि टाइमिंग का मुझे पता नहीं चल पा रहा कि आप लोग मोबाइल में कब ऑन होते हैं। तो मुझको प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का टाइमिंग फिक्स क्या है, जब आप मोबाइल में ऑन होते हैं, आप फ्री हो जाते हैं और मोबाइल देखते हैं, सुबह का टाइम या शाम का टाइम, एक टाइम मुझको दे दीजिएगा ताकि मैं उस समय वीडियो अपलोड कर सकूं। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक बाय बाय और बाय।